शाम के 7:30 बजने को है शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, ये नारा आज दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गूंज उठा। जैसे ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप दिल्ली के एयरपोर्ट से बाहर आए, सैकड़ों सिखों के चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ी। गुरु ग्रंथ साहिब को विशेष पालकी में एयरपोर्ट से लाया गया और गुरु अर्जुन सिंह गुरुद्वारे में हुई उनकी स्थापना। देश की राजधानी दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह के जयकारों से गूंज उठा। जैसे ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों प्रतियों को सिर पर उठाए श्रद्धालु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकले, वहां मौजूद हजारों के हुजूम में खुशियां फैल गई, नारेबाजी होने लगी। एयरपोर्ट के बाहर गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों पर श्रद्धालुओं ने छतरी तान दी। जय जयकार और हर्षोल्लास के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों प्रतियों को एक विशेष बस में श्रद्धा पूर्वक रखा गया। इस बस को दिल्ली के जनकपुरी के गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा के लिए रवाना किया गया। आपकी जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बड़ा दिन है सिख जो समुदाय है उसके लिए भी। आपको हम अंदर की भी तस्वीरें कोशिश करते हैं दिखाने की कि किस तरीके से जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको निशान साहब के अंदर जो कि खास बस है उसके अंदर रखा गया है। पूरी जो मर्यादा है वो उसका पालन किया गया है, फूलों से सजाया गया है इस को पंच प्यारे जो कि धार्मिक तौर पर किसी भी धार्मिक प्रोसेशन को किसी भी जुलूस को आगे से हेड करते हैं वो भी बुलाए गए थे। इससे पहले एयर इंडिया का AI-1956 विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंचा। इसी में 3 सिख गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एयरपोर्ट के भीतर पहुंचे, उनके साथ बीजेपी नेता आरपी सिंह और वी मुरलीधरन भी थे। इन तीनों ने गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूपों को अपने सिर पर रखा। श्रद्धा पूर्वक गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को लेकर ये तीनों एयरपोर्ट के बाहर तक आए। एयरपोर्ट से सिख श्रद्धालुओं का जत्था गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जनकपुरी के गुरु अर्जन देव जी के गुरुद्वारे के लिए रवाना हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूपों को लेकर सैकड़ों सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंचे। पंच प्यारे सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे छत्र के नीचे श्रद्धा पूर्वक गुरु ग्रंथ साहिब चल रहे थे। गुरुद्वारे में शबद कीर्तन चल रहा था, श्रद्धालु गुरु की प्रार्थना में डूबे हुए थे। ऐसे ही श्रद्धापूर्ण माहौल में गुरुद्वारे के भीतर गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूपों को बहुत ही अदब के साथ स्थापित किया गया। आज सुबह ही अफगानिस्तान के काबुल से यहाँ भारत में गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियां पहुंची, उसके बाद यहाँ आज दिल्ली के जनकपुरी इस गुरुद्वारे में लाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि वो तीनों प्रतियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इन तीनों प्रतियों को यहाँ पर रखा गया है। दरअसल अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, सिचुएशन है, वैसे में इन प्रतियों के साथ अफगानिस्तान के रहने वाले जो सिख हैं वो भारत पहुंचे और अपने साथ इन प्रतियों को लेकर के आए हैं। आज सुबह केंद्रीय मंत्री के जरिए इन तीनों प्रतियों को रिसीव किया गया और उसके बाद इस गुरुद्वारे जो कि जनकपुरी में गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में इन तीनों प्रतियों को रखा गया है। ऊपर का जो हिस्सा आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो पालकी है इस पालकी में इन तीनों प्रतियों को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पूजा पाठ किया जाएगा, साथ ही अरदास की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि दिल्ली और आसपास से जुड़े हुए जो सिख समुदाय से जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनकी तरफ से यहाँ पर अरदास की जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के बाद सिख श्रद्धालुओं के दिलों को जैसे करार आ गया है। ये एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अफगानिस्तान के काबुल से और जलालाबाद से लाए गए स्वरूप हैं।
इनको यहाँ पे जो स्थापित मर्यादा है हमारी उसके मुताबिक उनको लाया गया, पांच प्यारों के अगुवाई में और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को चवर करते हुए, सेवादार कीर्तन करते हुए, उनकी उपमा और बड़ियाई करते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। दो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप विश्राम के लिए अपने स्थान पर चले गए, सुखासन जिसको कहते हैं, और एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रकाश के लिए उनको वो अपने स्थान पर सुशोभित होकर संगतों को दर्शन दिदारे दे रहे हैं। केंद्र सरकार अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों को भारत लाने के प्रयासों में जुटी है। जो लोग भारत पहुंचे हैं वो भी केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की तीन प्रतियों के सकुशल भारत आने पर सिखों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। देर रात तक पवित्र ग्रंथ की कुछ और प्रतियां भी आ सकती हैं। कुमार कुणाल, अनिशा माथुर और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।